दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत। किनौट में अवैध धंधे बढ़ गए हैं। किनौट पुलिस इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। गुटखा, तंबाकू, शराब, जुआ और सबसे ज़्यादा खुल्लम खुल्ला मुंबई कल्याण नाम का मटका जोरों पर चालू है, ऐसा किनवट निवासी कह रहे हैं। इससे पहले किनवट पुलिस को इसके बारे में कई निवेदन भी दिए गए। किनवट के बड़े नेता इस तरफ ध्यान दे, वरना हमारे युवा पीढ़ी इस जाल से बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा किनवट के लोगों का कहना है। किनवट एक गरीब आदिवासी इलाके से जाना जाता है। इस मटके के चक्कर में बहुत से लोगों ने अपने घर के सामान बेच रहे हैं, ऐसा देखने मिल रहा है। किनवट के लोगों का भरोसा नए आमदार भीमराव केराम पर है, वो कुछ करें किनवट की जनता कह रही है। अभी तक किनवट में खुल्लम खुल्ला मटका जुगाड़ चालू नहीं था और देखने नहीं मिला, लेकिन अब नजर आ रहा है। किनौट पुलिस के हद में चोरी, मारधाड़, मटका, जुगाड़, शराब, चट्टा बढ़ गया है। इस तरह पुलिस ध्यान दे, ऐसा किनौट के सामाजिक व राजनीतिक लोग कह रहे हैं। अवैध धंद्याची खूप जास्त प्रमाण चालत आहे, तरी कल्याण आणि मुंबई नावाचा मटका हा अतिशय जास्त प्रमाणात चालत आहे। आणि किनवट तालुका हा एक आदिवासी तालुका आहे, तरीसुद्धा इथं कोणत्या प्रशासनाचं आणि कोणत्या पोलीस स्टेशनचं आणि कुठलंच काही लक्ष नाही आहे। आणि तरी मी याच्यापूर्वी पण वारंवार तक्रार देऊनसुद्धा इथले जे मटका चालवणारे लोक जे आहेत ते अतिशय जास्त प्रमाणात चालवत आहेत व त्याच्यावर कोणीच आतापर्यंत धाड मारत नाही आहेत आणि त्याच्यावर काही कारवाई करत नाही आहेत। तसेच इथं अतिशय जास्त प्रमाणामध्ये गाडी चोरून आणणे आणि गाडी आणणे आणि रेतीचा व्यापार करणे आणि ते चोरीचे बाजूच्या आपल्या बाजूच्या राज्यामध्ये तेलंगणा आहे, तिथून एक गाड्या चोरून आणणे आणि इथं विक्री करणे आणि इथं चालवणे असा अवैध धंदा चालू आहे। तरी प्रशासनाने त्याच्यावर दखल घ्यावी ही माझी नम्र विनंती आहे।